बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फोर्थ क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, टुडे इज़ आवर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 10। हेयर इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक, सो ओपन योर बुक्स एट पेज 32। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ विंड। विंड यानी के हवा। तो बेटा, आइए देखते हैं कि हवा जो है ज़मीन की जो ज़ाहरी शक्ल है उसके अंदर किस तरह से तब्दीलियां लाती है। ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद है और बहुत से अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़मीन अपनी जो शक्ल है वो तब्दील कर लेती है। जब हवा चलती है तो बाज़ इलाकों में जहाँ के काश्तकारी नहीं होती वहाँ जो है वो ज़मीन की शक्ल जो है वो तब्दील कर देती है। बेटा, हम आपको बताते चलें कि ज़मीन जो है वो नर्म और सख्त दोनों किस्म की चट्टानों से मिलकर बनी है। सॉफ्ट रॉक्स जो हैं, जब हवा बहुत ज़्यादा शिद्दत से चलती है तो वो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के रेत के ज़र्रात और मिट्टी को जो है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, जिसके नतीजे में बास जगहों पर सहरा वजूद में आते हैं और बास जगहों पर जो है वो ज़रख़ेज़ ज़राई ज़मीन जो है वो वजूद में आ जाती है। ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेती है, यानी ज़मीन की तब्दीली में बहुत सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं। इन्हीं में से एक है हवा। हवा जब चलती है तो बेटा वो मुख्तलिफ अशकाल में जो है वो ज़मीन को तब्दीली देती है, जैसे कि पहाड़ी, टीले, कोह, मैदान और सहरा। यह वो तमाम अशकाल हैं जो हवा के चलने के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो बेटा, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसमें दी गई तमाम बातों को याद रखना है। आपने सब बच्चों ने घर पे रहना है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।